राजधानी रांची में इन दिनों अपराध की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों अधिवक्ता और एक स्पेशल ब्रांच के दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे लेकर सूबे की राजनीति भी गरमा गई है। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान जेएमएम कांग्रेस और राजद वाली सरकार के राज्य में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि आम जनता भगवान से ये प्रार्थना करने को मजबूर हो चुकी है कि कब ये झूठी सरकार का राज खत्म हो और भाजपा की सरकार आए। सभी को जोहार। पांचवें विधानसभा का आखिरी सत्र कल समाप्त हुआ। कल माननीय मुख्यमंत्री का आखिरी राजनीतिक भाषण भी हुआ, लेकिन उस पूरे भाषण के दरमियान उन्होंने कई एक झूठ बोले, कई एक झूठे वायदे फिर से किए।